उन्हीं के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन का एक मीटिंग बुलाया था और इस मीटिंग में डुमरी उपचुनाव के जो 5 तारीख को चुनाव होने वाला है सितंबर महीना का, उस चुनाव में अपना कैसे करके सभी का भागीदारी सुनिश्चित हो और चुनाव हम लोग जीते, इसी पर आज चर्चा हुई है। और सभी इंडिया घटक दल के सारे तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और कुछ नेता भी थे, विधायक भी थे। सब ने एक स्वर से कहा कि हमारे ये जो चुनाव जो है, ये चुनाव हम गंभीरता से लिए हैं और NDA गठबंधन के पहली चुनाव होने जा रहा है, इसीलिए हर दल, हर संगठन एकजुट होकर काम करके पहली जीत हम लोग जो है डुमरी चुनाव हम लोग देना चाहते हैं। और ये जीत जो है जगन्नाथ जो जी जो जीत कर गए उसको भी इंडिया की तरफ से 61 श्रद्धांजलि दिया जाएगा। इसी बात सभी गठबंधन के लोग जाएंगे, सभी दल का नेता वर्कर्स जाएंगे और ये करीब 17 तारीख को शायद डेट हुआ है। उस आगे की रणनीति तय होगा, कौन कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। और ये मुझे जैसा लगता है आपको विश्वास के साथ कहते हैं, आज बहुत ही शॉर्ट नोटिस में तमाम इंडिया गठबंधन के लोग यहाँ पहुँचे थे और उनके बात और बातचीत के बोलने के क्रम में जो लगा, अभी भी चर्चा चल ही रहा है, बीच में हम कुछ बोलकर चले आए हैं, उनको जाना है, लगा कि ये चुनाव बहुत आसानी से NDA गठबंधन जीतेगी। सर ये 14 तारीख को बुलाया गया ईडी कोर्ट, उस पर कोई बात नहीं? उस पर कोई बात नहीं। सर ये बाई इलेक्शन के साथ दोनों ने सीट पर अलग अलग चुनाव लड़ा था, इससे मुश्किलें कुछ होंगी आप लोगों को? नहीं, मुश्किलें कुछ नहीं होगी। देखिए आज कुछ वोट जो जगन्नाथ दास जो गाँव जब लड़े थे तो आईसू और भारतीय जनता पार्टी का वोट को अगर मिला दे तो बहुत अंतर नहीं है, हल्का अंतर है, लेकिन कुछ उसमें बिखराव देखा गया था। हम बिखराव देखे थे, जैसे आपका एक उपचुनाव जो हुआ था अभी हाल में बंधु तिर्की के जो मंडर में, तो मंडर में देखा गया कि एक तबके के लोग उसको वोट ही नहीं दिया था, लेकिन वो दोबारा देखा कि इसमें कहीं ना कहीं हम लोग का चूक हो रही है। और मुझे वही लगता है कि इस बार जो है, जो अपना अपनी इक्वेशन है मेरे व्यक्तिगत, कि इस बार जो है जो बेबी देवी जो है 1 लाख वोट कम से कम लाएगी। सर एक समीकरण में ये कहा जाता है कि आप लोगों की तरफ अल्पसंख्यक को अपने पक्ष में करेगी, आप किस तरीके से इसे देखते हैं? नहीं, ऐसी नहीं है। देखिए आज जो है एक जमाना था ओबीसी के, काफी चर्चा मुस्लिम समुदाय में हुआ और आपने देखा है कि मांडर चुनाव में ओबीसी भी आए थे और हम लोग भी गए थे, उस वक्त भी वहाँ के मुसलमान ने समझ लिया कि ओबीसी को वोट देकर ये हमें कुछ नहीं कर सकते हैं, गठबंधन के तहत हमें रहना चाहिए। और आज भी यहाँ के तमाम माइनॉरिटी जो सोच रहे हैं ये इंडिया गठबंधन के तहत रहकर ही हम वोट करें ताकि हम भी अच्छा महसूस। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।